काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं
जिन्होंने अपना पीगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं, और मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।